बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई एम प्लेज टू इन्फॉर्म यू दैट एफपीएससी हैज़ अनाउंस्ड जॉब्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 एंड दिस इज़ एड नंबर 3rd ऑफ 2020 एंड टुडे इट वाज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एफपीएससी एंड लास्ट डेट फॉर दिस इज़ 16th March. And also happy to inform you that there are a lot of seats announced for the graduates, and I shall inform you later on. जो सबसे पहला केस है वो है डेमोन्स्ट्रेटर का, BPS 17 का, और ये एक ही पोस्ट है सिंध रूरल की है। इसके बाद इंस्पेक्टर की पोस्ट है BPS 16 की, टेम्प्रेरी, लाइकली टू कंटिन्यू, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ की हैं ये। इसके अलावा इसमें सेकेंड ग्रेड सी मास्टर सॉरी बैचलर डिग्री फ्राम यूनिवर्सिटी रिकगनाइज बाई HEC, 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लेबर मैन पावर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सर्विसज टेक्निकल वैकेंसी और प्लानिंग वगैरह में, इसका 3 साल का तजर्बा भी मांगा हुआ है और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं 11। फर्दर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोविंशियल वाइज। इसके बाद है PRO की सीट है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, 16 स्किल की है और एक ही है, और ये मेरिट पे है, बोथ मेल एंड फीमेल ऑल ओवर द पाकिस्तान कैन अप्लाई। और सबसे जो इसके बाद आता है मेडिकल ऑफिसर की सीट है, और ये इसकी 4 पोस्ट हैं, मेरिट पे 1 है, पंजाब के 2 हैं और सिंध अर्बन की 1 है। इसके बाद नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, BPS 17 की है और एक ही सीट है ये पंजाब की, दोनों मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे जो अट्रैक्टिव वैकेंसी इस दफ़ा FPSC ने लॉन्च की है वो है, अनाउंस किया जो अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर की, BPS 16 की है, और ये परमानेंट रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड FBR की है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी सेकंड क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स अकाउंटिंग कंप्यूटर साइंस लॉ फार्मेसी केमिस्ट्री फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और BSc इंजीनियरिंग इन एनी स्पेशलिटी। दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर लिटरेसी अप टू लेवल ऑफ MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, ये रिक्वायर्ड है। तो एज लिमिट 20 से 28 है, 5 साल की रिलैक्सेशन है और 157 सीटें, 157 सीट्स हैं, और इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप डिटेल में देख सकते हैं। तो बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट्स इसकी रिक्वायर्ड मांगे गए हैं। इसके बाद और इसकी हैं एसोसिएट प्रोफेसर की सीटें, वो देख लें जो इस पे फाल करते हैं, और इसकी 16 मार्च लास्ट डेट है। तो इसके बाद इसके प्रोसीजर टू अप्लाई है, और इसका कहीं पे एग्ज़ाम का शायद ज़िक्र है या नहीं, वो देख लेते हैं। और इसके बाद मैं आपको सिलेबस का भी बताता हूँ कि अप्रेजिंग ऑफिसर जो है इसका सिलेबस क्या होगा और इसमें पेपर का कहीं शायद जिक्र नहीं आया। तो जो अप्रेजिंग ऑफिसर है उसके मैं सिलेबस की अगर आपसे बात करूं तो इसका सिलेबस होगा इंग्लिश पार्ट जो है उसमें ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, जबकि जो पार्ट 2 है उसमें बेसिक अरिथमेटिक, इसके अलावा करंट अफेयर्स और मोस्ट लाइकली पिछले 2 साल के, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, शायद
इसका ऑप्शन हो सकता है कंफर्म नहीं है, एवरीडे साइंस में भी ना भी हो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, ये लाजमी, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर जो है, बेसिक कंप्यूटर वो इसमें शामिल होगा, एमएस वर्ड एक्सेल वगैरह जो है, और बेसिक कंप्यूटर तो ये इसका पार्ट होगा। तो इंशाल्लाह हार्वर्ड एकेडमी जो है इसका क्लासेस जो है सून स्टार्ट हम कर देंगे, और कंपटीशन जैसे कि आपको पता है कि सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं और कंपटीशन भी, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें भी काफ़ी सारे लोग फॉल करते होंगे, कंपटीशन टफ होगा, तो लिहाजा वही विन करेगा जो जो बेस्ट एफर्ट करेगा। तो हार्वर्ड एकेडमी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, और आप ज़रूर ज्वाइन करें हमारा ये कोर्स। इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छे तैयारी करवाएंगे आपको, और जितना आपके पास ज़्यादा टाइम होगा उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो प्रोसीजर वगैरह है वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट हमारी गिवन है www.howardacademy.com। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं हमें 333-570-6226। ऑल द बेस्ट।